प्रॉब्लम ये है कि अगर मैन टू मैन कोई बात करे वो बात अलग है, अगर आप किसी तीसरे के बंदे की बात में घुस के आप करोगे तो आपको पहले खुद का भी पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। हमने आपको डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, इवन जिनको हमने बोला उनसे भी हमने बहुत प्यार से हमारी बात हुई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वो होता ना किसी बंदे को मसाला, उसको जब अपने घर से मसाला नहीं मिलता तो वो बाहर से मसाला लेके आते, तो वही सीन हुआ था। कुछ खबरें ऐसी भी बाहर आई कि जो अरमान मलिक है वो आपके राइवल माने जाते हैं, तो अंदर जाके यूट्यूबर्स वर्सेस यूट्यूबर्स हमें देखने मिलेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि राइवलरी तो लोगों ने बना दी है, मैं तो सिर्फ सच बोलता हूँ। तो अगर कल को भी मेरे लिए कोई उससे भी बड़ा या छोटा इंसान कोई बोलेगा तो मैं उसके लिए भी सेम बोलूँगा। मतलब मेरे लिए ऐसा सीन नहीं है कि किसी बंदे ने मेरे लिए बोल दिया तो मैं चुपचाप बैठ के सुनता रहूँगा। तो और अगर इन हाउस मिलते हैं हम लोग या मैं भी जाता हूँ या वो जाते हैं तो फिर 100% देखने को तो मिलेगा ही ना, सुन के तो लेंगे नहीं किसी की भी। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैन टू मैन कोई बात करे वो बात अलग है, अगर आप किसी तीसरे के बंदे की बात में घुस के आप करोगे तो आपको पहले खुद का भी पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। हमने आपको डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, इवन जिनको हमने बोला उनसे भी हमने बहुत प्यार से हमारी बात हुई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वो होता ना किसी बंदे को मसाला, उसको जब अपने घर से मसाला नहीं मिलता तो वो बाहर से मसाला लेके आते, तो वही सीन हुआ था। तो यही है कि किसी की बातों में नहीं घुसना चाहिए, आप पहले अपना घर संभालो, अपने घर की चीज़ें देखो, फिर जाओ ना। अगर आपको इतने फैसले करवाने हैं तो फिर आप For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.